नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में अब स्लैब की कास्टिंग करवा रहे हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा सरिया आपको अपनी छत में यूज़ करना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको दो मंजिला घर की छत में कौन सा सरिया आपको यूज़ करना चाहिए। बस इसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और अगर आप एंड तक वीडियो को देखते हैं तो एंड में मैं आपको कुछ बोनस 5 टिप्स भी देने वाला हूँ, 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपके लिए स्लैब कास्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारी आज की स्लैब की रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों, सरिये की बात करने से पहले मैं आपको स्लैब से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो देखिए, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, तो वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए, जिससे कि आपको एक बेसिक नॉलेज रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली हमारे पास दो टाइप के स्लैब होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। एक होता है हमारा वन वे स्लैब और दूसरा होता है हमारा टू वे स्लैब। अब वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए जो वन वे स्लैब होती है हमारी, उसमें लॉन्गर स्पान से शॉर्टर स्पान का जो रेशो होता है वो इक्वल या ग्रेटर देन 2 होता है। और अगर बात करें टू वे स्लैब की, तो उसमें जो लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशो होता है वो लेस देन 2 होता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, बहुत ही बेसिक और ईजी तरीके से। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन वे स्लैब में लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशो होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारी एक स्लैब है, जैसे ये हमारी एक स्लैब हो गई, ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है ये मान लीजिए आप, ये है 6 मीटर, ठीक है, और जो विड्थ है इसकी वो है आप मान लीजिए 3 मीटर। अब अगर आप इनका रेशो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए लॉन्गर स्पान से शॉर्टर स्पान का रेशो निकालना है तो ये हो गया आपका लॉन्गर, इसके डिवाइड में लिखेंगे आप शॉर्टर वाला, ठीक है, यानी कि 2, तो आपको कितना मिलेगा, 2 3 6। अब ये क्या आया आपका, ग्रेटर देन 2 आया, यानी कि 2 से बड़ा होता है ना 3, तो ये कौन सी हुई आपकी, वन वे स्लैब, ठीक है। यानी कि आप स्लैब की लंबाई नापिए, उसकी चौड़ाई नापिए, लंबाई में चौड़ाई से भाग दीजिए, अगर 2 से ज़्यादा आया तो वन वे स्लैब और 2 से कम आया तो टू वे स्लैब। अब टू वे स्लैब का भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई स्लैब है जिसकी जो लेंथ है वो तो है 3 मीटर और जो विड्थ है वो है 2 मीटर। अब आप कैसे निकालेंगे, तो सेम 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको कितना मिलेगा, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर आपको मिला, जो कि क्या होता है, 1.5 मीटर जो होता है 2 से छोटा होता है, यानी कि हमारी टू वे स्लैब हुई। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की तरफ कि दो मंजिला घर की छत के लिए रिइंफोर्समेंट की डिटेल क्या रहेगी। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग स्पान की बात करें, ठीक है, यानी कि ये लंबे वाले स्पान की अगर बात करें, तो इसमें बॉटम में मेन बार जो रहेगा आपका वो 10 mm डाया का रहेगा और स्पेसिंग उसकी 150 mm यानी कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगी। बात करें दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो ये 8 mm डाया का रहेगा और स्पेसिंग इसकी भी 150 mm यानी कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगी। फिर बात करें दोस्तों अगर शॉर्ट स्पान की, यानी कि ये वाली बार्स की, तो दोस्तों इसमें जो टॉप में आपका जो मेन बार रहेगा वो रहेगा दोस्तों 10 mm डाया का और स्पेसिंग रहेगी उसकी 125 mm यानी कि 5 इंच सेंटर टू सेंटर। फिर बात करें दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो वो रहेगा हमारा 8 mm डाया का और स्पेसिंग रहेगी उसकी 300 mm यानी कि 12 इंच, 1 फिट सेंटर टू सेंटर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्पान के हिसाब से भी बता देता हूँ कि स्पान के हिसाब से स्लैब की थिकनेस, उसका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी 3 मीटर तक की छत है, यानी कि 10 मीटर तक की छत है, तो आपकी थिकनेस ऑफ स्लैब जो रहेगी वो 11 सेंटीमीटर यानी कि 4.5 इंच तक रहेगी। बात करें इसमें मेन बार कौन सा लगेगा, तो दोस्तों 10 mm की सरिया लगेगी जिसकी स्पेसिंग रहेगी 150 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। जो लोग सूत में समझते हैं उनके लिए मैंने नीचे सूत में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग यहां से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें, तो वो रहेगी हमारी 8 mm और स्पेसिंग रहेगी 200 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 8 इंच।
फिर दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी छत का जो स्पान है वो 3.5 मीटर का है यानी कि 11 फिट का है, तो आपकी जो छत की जो थिकनेस रहेगी वो रहेगी 4 से 5 इंच। मेन बार की स्पेसिंग रहेगी दोस्तों, सरिया लगेगा 10 mm वाला और स्पेसिंग रहेगी उसमें 125 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 5 इंच। बात करें दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो 8 mm का सरिया उसमें रहेगा, स्पेसिंग रहेगी 200 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 8 इंच का डिस्टेंस रहेगा एक बार से दूसरी बार के बीच में। फिर दोस्तों तीसरा आता है हमारा, अगर आपकी 3.6 या 3.7 मीटर यानी कि 12 फिट का अगर स्पान है स्लैब का, तो दोस्तों आपकी जो स्लैब की थिकनेस रहेगी वो रहेगी 5 से 6 इंच। सरिया जो लगेगा दोस्तों वो सेम 10 mm का लगेगा, स्पेसिंग 125 mm सेंटर टू सेंटर, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा वो लगेगा 8 इंच का जिसकी स्पेसिंग 8 mm का जिसकी स्पेसिंग रहेगी 200 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 8 इंच। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जो कि आपके स्लैब कास्टिंग के टाइम पे आपके काम आएंगे, तो देखिए एज पर IS कोड 456/2000 जो आपकी RCC के लिए जो कंक्रीट की ग्रेड रहेगी वो मिनिमम आपकी M20 होना चाहिए, जिसका रेशो होता है हमारा 1:1.5, जिसमें 1 हो जाता है हमारा सीमेंट, 1.5 हो जाता है हमारा सेंड यानी कि बालू, और 3 हो जाता है हमारा एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। ठीक है, आप घर बनाने में अपने में टाटा सेल और जिंदल जैसे स्टील यूज़ कर सकते हैं, हालांकि कुछ स्टील आपके लोकल ब्रांड में भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आपको स्लैब कास्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो देखिए आपको हर 1 square meter में कम से कम 5 cover block आपके होना चाहिए। ठीक है, कवर कितना रहेगा आपका स्लैब के लिए मैं बता देता हूँ, तो 20 mm कवर आपको यूज़ करना है स्लैब के लिए। 1 square meter में 5 cover block कैसे होते हैं तो मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपकी एक छत है, ठीक है, लंबाई है इधर इसकी 1 meter, ये वाली लेंथ भी है इसकी 1 meter, तो आपका 1 into 1 कितना हो गया, 1 square meter होता है। ठीक है, इतनी जगह में आपके कम से कम 5 cover block होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये ऐसा कोई एक आपको समझाने के हिसाब से ये 5 cover block आप मान सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात ऐसी है कि जो भी हमारा जाल होता है वो आपके सीधे शटरिंग प्लेट पे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, अगर कहीं भी आपको चिपकता हुआ दिख रहा है तो आपको उसके नीचे कवर ब्लॉक लगा देना है। कुल मिला के बात ऐसी है, तो आपका यही नंबर आ जाएगा, 4 से 5 ब्लॉक लगेंगे आपको 1 meter square में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है, देखिए हर बीम के जंक्शन पे आपका जो कॉलम रहेगा उसमें एक मास्टर रिंग आपकी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बार स्पेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया इसकी स्पेसिंग जो है वो 6 इंच है सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना, मतलब दो सरिये के बीच की जो दूरी रहेगी वो आपकी 6 इंच रहेगी, ऐसा मैंने आपको बताया। तो आपकी बार की जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो भी आपके सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट ने आपको सजेस्ट की है कि आपको इतनी रखना है। दूसरा, बाइंडिंग वायर जिनसे हम सरिया बांध सकते हैं वो प्रॉपरली बाइंड किया हुआ होना चाहिए। तीसरी आती है दोस्तों बात कि जो कॉलम होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी जो रिंग्स वगैरह होती है वो स्लैब कास्टिंग के पहले प्रॉपर होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो जैसे ये आपकी छत है, ठीक है ना, इसमें कहीं एक जगह पे कहीं पे क्या है कि मान लीजिए कहीं एक जगह पे कॉलम भी है इसमें, ठीक है, अब आपके 4 सरिया होता है इसमें, है ना, तो इसमें क्या है कि आप रिंग इस तरह से रिंग अगर डाल देंगे तो ये सरिया इधर उधर नहीं भागेगा आपका, तो आपकी ये जो रिंग है ये भी प्रॉपरली डली हुई होना चाहिए। अब इसकी बजाय अगर ऐसा है, मान लीजिए ये आपकी छत का सरिया बंधा हुआ है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे हो गया इसका, एक मिनट, मान लीजिए कि ये आपका कॉलम है कहीं पे इस जगह, है ना, कॉलम नहीं है, मान लीजिए कि सिर्फ सरिया है आपका, रिंग नहीं डाल रखी है आपने इस तरह से, तो ये फ्री जो सरिया होते हैं तो कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं, तो आपके कॉलम की जो पोजीशन है वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जो है कॉलम की जो रिंग वगैरह है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हर 1 meter के डिस्टेंस पर आपको चेयर लगाना चाहिए। ठीक है, चेयर क्या होता है, चेयर आपकी इस तरह से बनती है, सरिया मोड़ के बनाते हैं, आप इस पर अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कि चेयर क्या होती है और कैसे लगाते हैं। तो ये हर 1 meter पे हम लगाते हैं, ये कहाँ पे लगाते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे इस तरह से डबल जाल है, ठीक है, जो क्रैंक लगा के हमारा डबल जाल बनता है, एक ही जाल हो गई और दूसरी मान लीजिए इस तरह से है ना,
तो इन दो, ये कभी कभी क्या होता है जैसे हम छत की ढलाई होगी तो इस पे हम चलेंगे फिरेंगे भी, इस पे लोड आएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि आपस में चिपक जाते हैं दोनों। ठीक है, अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, अगर हम इसके बीच में इस तरह से चेयर लगा देंगे तो ये जो है इसको नीचे की तरफ जाने से रोकेगा ये, तो इसलिए आपको चेयर लगा देना चाहिए हर जगह पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि 2 मंजिला घर यानी कि G+1 की बिल्डिंग के लिए रिइंफोर्समेंट क्या होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए छत की ढलाई के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।